बड़ी चुनौती थी और मैंने पहले भी बोला था कि भाई हाँ मैं पहले नहीं बोल रहा, मैंने योगी भाई को बोला था कि हाँ मैं मेडल का रंग चेंज करके आऊँगा, गोल्ड लेके आऊँगा, पर मैंने किसी को पहले नहीं बोला कि भाई हाँ मैं गोल्ड ही लेके आऊँ। मैंने बोला था कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा और मैंने बेस्ट किया, गोल्ड मिला, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एशियन गेम्स, और बहुत अच्छा लगा कि भाई हाँ मैंने जो योगी भाई ने 2014 में किया था उसको 2018 में करके दिखाया। एक और चीज़ भी रही कि जिस तरीके से पूरा दिन आज श्री भाई के बाहर जाने के बाद निराशा थी कैंप में पूरे, उसको आपने रिवाइव किया? हाँ देखिए, निराश थी क्योंकि सुशील भाई से भी गोल्ड की उम्मीद थी और उन्होंने बस आगे यही बोला कि भाई कोई नहीं, कुश्ती में उतार चढ़ाव होता रहता है, बस तू आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, आपसे उम्मीद है, और उन्होंने हर कुश्ती के टाइम मुझे मोटिवेशन किया। आज पूरे दिन जिस तरीके से आपने अपनी कुश्ती लड़ी, डोमिनेंस नज़र आ रहा था, आपको कितना कॉन्फिडेंस था जब आप क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में आ चुके थे, गोल्ड मेडल मैच आपको जब लड़ना था? देखिए, कॉन्फिडेंस हर बाउट में बढ़ता है क्योंकि हम कोई बाउट अच्छी लड़ते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कोचेज हैं हमारे साथ लगे रहते हैं और पूरा स्टाफ है और देशवासियों की दुआएं आशीर्वाद है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आपकी इस बार कामयाब आई, जिस तरीके से आपने ग्रिप बनाई फाइनल मैच के टाइम में, वो कितना? देखिए, मैच में उतार चढ़ाव होता रहता है और मैं जो जापानी रेसलर था इससे अभी एशिया चैंपियनशिप में लूज़ हो गया था 4 महीने पहले ही, तो उससे मैं काफ़ी नाराज़ था क्योंकि अब मौका मिला और बस उस हार का बदला लिया मैंने।